आज समाज में व्यसन को लेकर के काफ़ी बात होती है, एडिक्शन, और डी एडिक्शन के लिए भी काफ़ी कैंपेन चलाए जाते हैं। जब भी हम लोगों से मिलें और उनसे बात करें तो वो इस बारे में कहीं ना कहीं वो झिझकते हैं। किसी भी अच्छी बात के अंत में यदि इस बात को आप कहें कि आप में से कुछ लोग इस तरह की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, एडिक्शन से जुड़े हुए हैं, आप उसको छोड़ने का प्रयास करिए, तो हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं गिल्ट फीलिंग से गुजरता है। उसको एक कहीं ना कहीं एहसास होता है कि वो बहुत गलत कुछ कर रहा है, जिसके कारण समाज में लोग उसे बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं। वक्ता कभी बोलते बोलते अति उत्साह में ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं कि उससे सामने वाला कहीं रिएक्ट भी कर सकता है। और इस दौरान जो आसपास के लोग कुछ तथाकथित होते हैं, जिन्हें लगता है कि हम तो बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू खाते नहीं हैं, तो साइड वाले को बड़ी ही इस दृष्टि से देखते हैं कि उसको और महसूस कराते हैं कि तुम जो है बड़े हेय हो, बड़े नीच हो। और सचमुच ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति कुछ सुधरने के आसार दिखा भी रहा था, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से ढीठ होकर कहता है, नहीं मैं करता हूँ, करूँगा, आप क्या करोगे। तो उस स्थिति में दो तीन चीज़ें बड़ी बेसिक हैं। पहली बात, जब हम टोकें तो प्यार से टोकें, सहयोगी भी उस नज़र से उसको न देखें कि वो चिढ़ाने वाली नज़र हो, जिससे कि अगर वो सुधरने के लिए एक कदम बढ़ाना भी चाह रहा है तो वो उस हठ में उस चीज़ से फिर वापस आ जाए। और इन सब से परे जो चीज़ है, जब हम औरों की तरफ देखते हैं कि अच्छा हम तो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, नहीं हम व्यसनी कहाँ, व्यसनी तो ये है। अरे साहब, व्यसनी आप भी हैं। क्या चीज़ का व्यसन? चाय का व्यसन, कॉफ़ी का व्यसन, कुछ हमेशा अचार खाने का व्यसन, खाने में चटपटा खाने का व्यसन, किसी भी एक चीज़ की मतलब चाहत है कि ये मिलना ही चाहिए तो मिलना ही चाहिए, ईर्ष्या करने का व्यसन, अहंकार करने का व्यसन, आलस्य का व्यसन, दूसरों के हमेशा दोष देखने का व्यसन, अच्छी से अच्छी चीज़ में भी कमियां निकालने का व्यसन, ये भी व्यसन है। दिखते नहीं है लेकिन ये भी खतरनाक है, क्योंकि ये जो बीमारियाँ पैदा करते हैं वो हमारे इस दिमाग के माध्यम से न जाने कितनी दूर दूर तक फैलती हैं और हमारे पूरे जीवन में कब से लग जाती है हमें पता नहीं चलता, लेकिन इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पूरे जीवन में देखने को मिलता है। आप देखिए, फिल्मों के शुरू में जिस तरीके से लिख के आता है कि धूम्रपान के लिए वैधानिक चेतावनी, आगे आने वाले समय में आश्चर्य न करें जब लिखा है कि नकारात्मक बोलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कई तरह की जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं, आपके मस्तिष्क की क्षति हो सकती है, इसकी क्षमता का नुकसान हो सकता है, कृपया आप नकारात्मक बोलने से बचें। प्रयास यही है कि हम किस तरीके से व्यसन, वह चीज़ मतलब कि किसी भी ऐसी चीज़ की लत जिसके बिना हमें लगे कि जीवन नहीं चल सकता, वह व्यसन, और उसके लिए फिजिकली कोई करता हुआ दिखे वो चीज़ अलग है, लेकिन उसके अलावा भी कई तरीके हैं जिससे हम सब जुड़े हुए। तो जब बात कही जाती है डी एडिक्शन की, तो उस डी एडिक्शन से इस बात को साफ तौर पे हमें समझना चाहिए कि वह इशारा सिर्फ उनकी ओर नहीं है जो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से सामने जुड़ते हुए दिखते हैं, सूक्ष्म रूप में भी जो जुड़े हुए हैं। हम सबको भी सुधरने की आवश्यकता है, हम सुधरें।